मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर लेसन सिक्स। वी हैड ऑलरेडी डन लेसन फाइव, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, द 100 गेसेस। टुडे वी आर गोइंग टू डू इट्स सेकेंड पार्ट, लेसन सिक्स, बट लेसन नेम इज द 100 गेसेस, सेम है एंड इट्स पार्ट सेकेंड। वी हैड ऑलरेडी रीड दैट जो वांडा थी, वांडा वॉज अ पोलिश गर्ल एंड शी इमिग्रेट टू अमेरिका, अमेरिका आ गई थी। शी मेड अ ड्रॉइंग ड्रेसिस एंड शी गोट फर्स्ट प्राइज मिलता है, बट मैडी एंड पैगी मेक फन ऑफ हर, सो वो क्या कर देती है, स्कूल आना बंद कर देती है एंड दे रियलाइज द एब्सेंस ऑफ वांडा। पैगी एंड मैडी, उनको महसूस होती है वांडा की एब्सेंस, सो दे राइट अ लेटर टू वांडा बट दे डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम हर। नाउ इन दिस लेसन वी रीड दैट हर फादर राइट अ लेटर टू वांडा के जो फादर थे वो एक लेटर राइट करते हैं प्रिंसिपल के नाम से। देखिए, लेटर फ्रॉम वांडाज फादर केम फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफिस एंड मिस मेसन गिल। तो जो लेटर था प्रिंसिपल ऑफिस में आता है एंड शी द प्रिंसिपल थी हैंड ओवर दैट लेटर टू मिस मेसन बिकॉज मिस मेसन वाज द इंचार्ज ऑफ वांडा। देन मिस मेसन वेंट टू द क्लासरूम एंड शी रीड द लेटर लाउडली, बड़ी तेज आवाज में वो लेटर को रीड करती है। इन दिस लेटर वांडाज फादर हैड रिटन दैट, क्या लिखा था वांडा के फादर ने, कि वांडा विल नेवर कम टू स्कूल, कि वांडा स्कूल में अब कभी भी नहीं आएगी। उन्होंने लिखा सम चिल्ड्रन मेक फन ऑफ वांडा एंड शी फेड अप टू दिस जोक्स। इन जोक से जो उसका जोक बनाया जाता था वो फेड अप हो चुकी थी। नाउ दे माइग्रेट टू अदर कंट्री, वो कहीं और चले गए हैं, दे विल नॉट कम इन दैट सिटी, वो किसी बिग सिटी में चले गए थे और अब वो स्कूल में नहीं आने वाले। तो जब लेटर पढ़ा जाता है देन मिस मेसन गिव एडवाइस, शी केम टू नो दैट चिल्ड्रन मेक फन ऑफ वांडा, शी एडवाइज द चिल्ड्रन नॉट टू मेक फन, नॉट टू प्ले द फीलिंग्स ऑफ अदर चिल्ड्रन, कि दूसरे बच्चों के फीलिंग्स के साथ मत खेलो, कि तुम्हारी वजह से एक बच्चा स्कूल छोड़कर चला गया, इट मीन्स क्या हुआ आपके अंदर इमोशंस नहीं है। देन शी क्या करती है, बच्चों को समझाती है कि हमें सबको मिलजुल के रहना चाहिए। टू हियर दिस मैडी फील्स गिल्टी, मैडी के माइंड में से वो बात निकलती ही नहीं है, शी डिड नॉट कंसंट्रेट ऑन हर स्टडी, अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। उसके माइंड में बार बार वही जो वांडा का सीन था वो आ जाता है कि किस तरह से दे मेक फन ऑफ वांडा, तो वो गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि वो भी पैगी की हेल्प करती थी। व्हेन पैगी मेक फन ऑफ वांडा मैडी ऑल्सो हेल्प हर, तो मैडी को फील होता है कि अगर मैं उस टाइम उसको मना कर देती तो हो सकता है वांडा स्कूल छोड़कर ना जाती। अब जो मैडी है रिसोल्व्स होता है पछताना, पछताती है कि काश मैंने पैगी का साथ ना दिया होता, मैं उसके साथ बोलती खेलती वांडा के साथ, कि मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है बिकॉज शी ऑल्सो बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, शी थॉट दैट कि कल मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है तो मुझे गलत का साथ कभी नहीं देना चाहिए। नाउ पैगी एंड मैडी फील सॉरी, बोथ फील सॉरी एंड दे डिसाइडेड टू गो टू वांडाज हाउस। पैगी एंड मैडी एट वांडाज हाउस, उसके घर पर जाती हैं। द वे ऑफ वांडाज हाउस वाज वेरी डर्टी, बड़ा गंदा से रास्ता था उसका। शी लिव्स ऑन वॉगिंग साइट एंड दैट वाज द स्लम एरिया ऑफ अमेरिका, अमेरिका का स्लम एरिया है। देर वाज नो सीवरेज सिस्टम, देर इज नो प्रॉपर स्ट्रीट्स, कोई गलियां भी प्रॉपर नहीं है, सीवरेज की प्रॉब्लम है, वाटर की प्रॉब्लम है, बट दे वर पुअर सो दे हैव टू लिव देयर, तो उनको वहाँ रहना पड़ा। तो इस वजह से व्हेन दे रीच देयर होम देयर हाउस वाज वेरी डर्टी, बड़ा गंदा सा
जो पेंट है वो खराब हो चुका था। वो उसको पैगी कहती है कि उस घर को देख के मुझे वांडा की याद आती है। हर हाउस वॉज फेडी, पूरा पेंट उतर चुका था, फेड हो चुका था, लाइक वांडा ड्रेस। वांडा किस कलर की ड्रेस पहनती थी? ब्लू कलर की ड्रेस, एंड दैट ड्रेस वॉज फेडी ड्रेस, फेड हुई ड्रेस थी। एंड लाइक हर हाउस वॉज ऑल्सो फेडेड हाउस, फेड हुआ घर था। तो वो रिजेंबल करती है उस हाउस को उसकी ड्रेस के साथ। तो इस तरह से वो क्या करती है, उसके घर पर जाती है, बट हर हाउस वॉज लोग था उसका घर, तो वो वापस आ जाती है। नाउ मैडी कॉन्शियस प्रिक्सन, प्रिक्सन होता है उसको माफ न करना। उसका हर्ट बार बार मैडी वांडा को याद करता है, मैडी का दिल वो बार बार उसको याद करती है कि काश हमने ऐसा ना किया होता। नाउ दे राइट अ लेटर टू वांडा, बोथ पेगी एंड मैडी डिसाइड टू राइट अ लेटर टू वांडा। वो वांडा तक लेटर लिखती हैं, दे टोल्ड हर दैट यू वॉन द कंटेस्ट, यू गेट फर्स्ट पोजिशन। तो उसको बताती है योर ड्रेसेज आर यूनिक डिफरेंट, यू मेड रियली वेरी गुड ड्रेसेज। ये सारी बातें शी राइट्स इन द लेटर। नाउ दे बोथ वेट फॉर द लेटर, बट दे डिड नॉट गेट अगेन वांडाज लेटर। बट आफ्टर सम टाइम ऑन क्रिसमस डे, बिफोर वन डे बिफोर ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस के दिन से एक दिन पहले, दे गेट अ लेटर फ्रॉम वांडा। वांडा का लेटर आता है स्कूल में मिस मेसन के पास। मिस मेसन वास हर टीचर, उनकी टीचर थी, उनके पास उनका लेटर आता है। देन जो मिस मेसन थी हैंड ओवर द लेटर टू पेगी एंड मैडी। अब देखिए उसने क्या लिखा था लेटर में, वांडा राइट दैट देर आर 100 ड्रेसेस एंड टीचर से वो रिक्वेस्ट करती है प्लीज गिव द ड्रेसेस टू द चिल्ड्रन बिकॉज दीज ड्रेसेस आर फॉर देम। कि जो ड्रेसेस है ना ये मैंने क्लास के बच्चों के लिए बनाई है, तो आप ये जो मेरी ड्रेसेस हैं आप क्लास के बच्चों को दे दीजिए। और क्या कहती है, ग्रीन ड्रेस गिव टू पैगी, कहती जो ग्रीन ड्रेस है इट्स स्पेशली फॉर पैगी एंड जो ब्लू ड्रेस है इट्स स्पेशली फॉर मैडी, कि मैडी को देनी है ब्लू कलर की और जो पैगी है पैगी को देनी है ग्रीन कलर की। एंड टीचर मिस मैसन गिव द ड्रेसेस टू द चिल्ड्रन। व्हेन दे वर ऑन द वे, जब वो घर वापस जा रहे थे, रास्ते में थे, दे वर होल्डिंग देयर ड्रॉइंग इन देयर हैंड, पैगी और मैडी ने अपनी ड्रॉइंग अपने हाथ में ले रखी थी। दे वॉच दैट पेंटिंग केयरफुली, जब वो ध्यान से अपनी ड्रॉइंग देखती हैं तो उनको पता चलता है कि अरे जो वांडा थी, वांडा ने पिक्चर ही उनकी बनाई थी। जो मैगी की ग्रीन ड्रेस थी उस पर मैगी की पिक्चर थी, मैडी की, जो मैडी की वो थी ब्लू ड्रेस थी उस पर मैडी की पिक्चर थी। पैगी की जो ड्रेस थी ग्रीन कलर की उस पर किसकी पिक्चर थी, पैगी की। इट मीन्स उसने चेहरे भी अपने क्लास के हर बच्चे के चेहरे क्लास में बना के उनकी ड्रेसेस पहनाई थी। इट वॉज अ स्ट्रेंज रेवलेशन। नाउ द बोथ गर्ल्स फील वेरी सैड, फील गिल्टी एंड इट वॉज अ ट्रू रेवलेशन। दोनों का जो होता है ना मन पिघलना, इस तरह से दोनों पछतावा करती हैं एंड फील गिल्टी ऑन हर सेल्फ एंड मेक प्रोमिस दैट दे विल नॉट मेक फन ऑफ अदर चिल्ड्रन अगेन। दिस इज द स्टोरी ऑफ लेसन 6 पार्ट 2 बेटा। रीड दिस लेसन एट होम एंड लर्न वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।